समझते हैं भाई सवाल को। संख्या 10 की पावर 5 माइनस 1 के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, अगर ये सवाल है संख्या 10 की पावर 5 माइनस 1 के अंकों का योग आपसे पूछा जाए, तो इससे पहले एक बात समझते हैं। जैसे मान लो 10 की पावर 1 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होगा? 9। ठीक, अगर 10 की पावर 2 माइनस 1 है, इसका मतलब ये हो गया 100, और माइनस 1 इसका मतलब 99। ठीक, अगर 10 की पावर 3 माइनस 1 हो, इसका मतलब 1000 हो गया। माइनस 1 करोगे तो ये क्या आएगा? 999। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 रखते हैं, 10 की पावर 1 रखते हैं, माइनस 1 किया आपने, तो 9 एक बार आ जाता है। 10 की पावर 2 कर रहे हैं तो 9 दो बार आएगा। 10 की पावर 3 कर दिया, इसका मतलब 9 तीन बार है। मतलब ये हुआ कि अगर 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 माइनस 1 करते हैं, तो जो संख्या बनती है, जो संख्या आती है, वो 9 के अंकों वाली आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप यहां और देखो एक बात और समझ लें आपको। जैसे मान लो 10 की पावर 3 किया आपने, 10 की पावर 3 कर रहे हैं आप, ठीक है, 10 की पावर 3 है तो 9 कितनी बार है? 3 बार। तो संख्या 9 तीन बार है। अब अगर आपसे पूछ रहा है अंकों का योग बताओ, तो आपको 9 ही 9 तो ऐड करना है। तो ऐसे यहां जैसे मान लो ये 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, तो जब 10 की पावर 5 है तो 9 आपको कितनी बार मिलेगा? 5 बार। क्योंकि हम यहां समझ गए कि अगर 10 की पावर 3 है तो 9 तीन बार, 10 की पावर 2 है तो 9 दो बार, 10 की पावर 1 है तो 9 एक बार। ऐसे यहां 10 की पावर अगर 5 है तो 9 5 बार मिलेगा। तो अगर 9 5 बार आपको ऐड करना है तो अंकों का योग क्या होगा? 45। ठीक हो गया, आगे होगा समझ में। पिछला सवाल आपको देखो, फिर से देखो, संख्या 10 की पावर 20 माइनस 1 के अंकों का योग क्या होगा? है ना भाई, तो अभी हम लोग पीछे कर रहे थे कि यहाँ घातांक, अगर घातांक 20 है और संख्या में माइनस 1 किया गया है, तो इसका मतलब 9 आएगा 20 बार। अगर 9 20 बार आएगा तो आप कह सकते हैं भाई योग कितना होगा? 180। इन संख्याओं का जो योग होगा, इस संख्या के जो अंकों का योग होगा, वो 180 होगा। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर इसी सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर 10 की पावर, 10 की पावर मान लो 13 लिख दी, 10 की पावर 13 माइनस 1, 10 की पावर 13 माइनस 1 है, ठीक है भाई। तो यहां आपको पता है कि अगर माइनस 1 है तो संख्या 9 अंकों, 9 वाली है। अगर 9 है तो कितनी बार 9 होंगे? तो 13 बार। अगर 9 13 बार है तो योग बनेगा 13 बाय 117। ठीक, बिल्कुल आसान है सवाल। ठीक, इसी सवाल को इधर देखो, अभी हम लोग योग निकालना सीख रहे थे। अब हो सकता है आपको n की वैल्यू पूछे, बोले n बराबर बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि कभी भी अगर संख्या 10 की पावर n माइनस 1 किया जाएगा तो अंक 9 आते हैं, हम 9 का योग करते हैं। अब अगर 9 का योग, 9 कितनी बार आते हैं? जितने घातांक होते हैं, जितने घातांक होते हैं उतनी बार 9 आते हैं, तब जाके योग बनता है कितना? 45। तो n की वैल्यू क्या होगी? 45 बटे 9 हो जाएगा, कितना n आ जाएगा? 5 हो गया। ठीक हो, दोबारा देखो, जैसे मान लो अगर इसी सवाल में आपसे फिर से पूछ देता है 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, अंकों का योग 468, अंकों का योग 468 है, तो n का मान क्या होगा? तो पता है अगर इस तरह की कोई संख्या होती 10 की पावर n माइनस 1 होता है और तब अंकों का योग आपको दिया था, आपको पता है कि जो 468 योग है वो 9 का योग है। तो 468 अगर 9 का योग है तो कितनी बार 9 रहे होंगे? अब 9 से काटो, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी? 52। ठीक, और देखो एक बार यहां योग बदल देते, मान लो अगर योग लिख दें यहां पे 45 होंगे, 4554 हो, तो n की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है 4554 जो है 9 से डिवाइड करो, पता चलेगा n का मान क्या आएगा। n बराबर क्या होगा? 506। n की वैल्यू होगी 506। बिल्कुल आसान है।